सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मेहनत करनी पड़ती है किस्मत बदलने के लिए, साबुन से हाथ धोकर भी कभी लकीरें नहीं बदलती। जब जिंदगी एक बार मिली है तो फिर बार बार क्यों सोचना। इंसान को अलार्म नहीं जिम्मेदारियां जगाती है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, झूठा गुरूर और अहंकार उसको तोड़ देता है। वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का पंचांग 14 अगस्त 2023 देश सोमवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह 10:25 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 11:07 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:32 से 9:09 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:49 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 5:07 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य भी कर्क राशि पर ही रहेंगे। आप सभी को सावन के छठे सोमवार की शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मिथुन राशि 14 अगस्त 2023 दिन सोमवार, अभी आपका ध्यान चाहते हैं। आपको खरीद या अनुबंध के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए बुलाया जा सकता है। आत्मविश्वास से कार्य करें और उन लोगों से सलाह लें जिन पर आपको विश्वास है। विचार विमर्श और बातचीत महत्वपूर्ण है। एक नया अवसर आपका इंतजार कर रहा है। आज आप अच्छे और बुरे दोनों अनुभव का आनंद लेंगे। आप असंभव को संभव करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, किंतु इसके लिए उपयुक्त जोश और मनोभाव होना जरूरी है। किसी भी ऐसी चीज पर अपना अधिकार मत समझिए जिसके लिए ना तो आपने पसीना बहाया हो और ना ही संघर्ष किया हो। अत्यधिक कार्यभार रहेगा लेकिन हार ना माने क्योंकि सफलता मिल सकती है। आपकी सकारात्मक सोच आपको किसी भी समस्या का समाधान निकालने की भी क्षमता प्रदान करेगी। विशिष्ट लोगों के संपर्क में आने से आप में और अधिक बेहतर सीखने और करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी जागृत होगी। दूसरों की बातों पर गहराई से विचार करें और फिर निर्णय लें। भावनात्मक तकलीफें दूर होगी। खुद के लिए विश्वास बनाए रखें। आपकी समस्याओं का समाधान आपके प्रयासों से हो सकता है। गलत लोगों की संगत से खुद को दूर रखें। दूसरों के काम से ज्यादा अपने काम पर ध्यान दें। रिलेशनशिप संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी चर्चा पार्टनर के साथ करें। वे संबंधित दिक्कतें बढ़ने की संभावना है। सेहत को नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, घर के वरिष्ठ लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखें। किसी खास व्यक्ति द्वारा आपकी आलोचना होने से मन आहत होगा। बेहतर होगा कि खुद को व्यस्त ही रखें। मन की शांति के लिए किसी एकांत आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करना आपको सुकून देगा। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपसी संबंधों में और अधिक मधुरता लाएगा। अपने अनुभव और योजनाओं से आप इस समय सफलता के शिखर पर हैं। लव लाइफ में आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है। मिलन के योग बन रहे हैं, किंतु अगर आप अपने पार्टनर को लेकर आश्वस्त नहीं है तो एक बार फिर से सोच लें। किसी बड़े की सलाह काम आ सकती है। जीवन आज आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। अपने मनमौजी रवैये को छोड़कर अपनी चाहत की तरफ ध्यान दें। आज आपके मूड में भी बदलाव आएगा, इसीलिए अपने प्रेम में जीवन का ध्यान रखें। अपने साथी तक अपने विचारों को विनम्रता से बांटें और उनकी भावनाओं का ध्यान रखें। बात करते हैं करियर की। आज व्यापार या कार्य संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और अपने अनुभवों का सही दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। अगर अपने कार्य या कार्य स्थल से संतुष्ट नहीं है तो यह समय है बदलाव का। नया वातावरण या परिवेश आपको भौतिकवादी सुरक्षा और राहत प्रदान करेगा। आपकी रचनात्मक ऊर्जा आज आपको एक अलग अनुभव प्रदान करेंगी। बेहतर प्रस्तावों और ग्राहकों को खोजने के लिए बेहतरीन है।
नए अनुबंध आपके करियर में चार चांद लगा सकते हैं और साथ ही कुशलता को भी बढ़ाएंगे और दृढ़ जुनून को ऐसे ही बने रहने दें, क्योंकि आपका यही जुनून आपको आसमां की ऊंचाई तक लेकर जाएगा। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु व्यायाम और योग को अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाएं। पेट संबंधित दिक्कतें बढ़ने की भी संभावना है, आज आपको सेहत को नजरअंदाज नहीं करना है। आज का उपाय, गरीबों को आज केले और चने का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।